फिरोजाबाद पुलिस आई एक्शन में। पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा। मुठभेड़ के दौरान के पैर में लगी गोली। आपको बता दें, 3 सितंबर को गांव गढ़ी कल्याण में कब्जा मुक्त कराने पुलिस टीम गई थी। इसी दौरान ट्रैक्टर से चढ़ाकर हमला किया था। शिकायतकर्ता रिटायर इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। 2 महिला कांस्टेबल घायल हुई थी। स्टैचू पर जा रहा शातिर किस्म का दबंग बदमाश है, नाम है इंद्रपाल। इसको थाना नारखी पुलिस और सौक पुलिस ने जोधरी रोड के पास मुठभेड़ के दौरान दबोचा है। पुलिस की माने तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। पुलिस पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी इंद्रपाल जोधरी रोड पर खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बताया जाता है ये वो शातिर बदमाश है जिसने पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाकर एक रिटायर इंस्पेक्टर जगदीश पाल की हत्या कर दी थी और 2 महिला कांस्टेबल को घायल कर अधमरा किया था। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोगों को आज एक विशेष सूचना प्राप्त हुई थी कि जौंधरी रोड नारकी पर एक संदिग्ध का मूवमेंट है। इस सूचना पर हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, नारकी पुलिस तथा रामगढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर दिखाई पड़ा, जिससे मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम इंद्रपाल बताया है। इंद्रपाल वही व्यक्ति है जो 3 अक्टूबर को गढ़ी कल्याण थाना नारकी में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें यह मुख्य अभियुक्त था और यही ट्रैक्टर चला रहा था। इस घटना में एक रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अभी इसमें 3 अभियुक्त शेष हैं तथा कुछ इसमें अज्ञात भी नामजद हैं, उनका भी हम चिन्हांकन कर रहे हैं। जो शेष हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। शीघ्र ही उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और उन पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। कोई पुलिसकर्मी घायल हुए थे उस घटना में? सर, उस घटना में हमारी 2 महिला कांस्टेबल घायल हुई थी और जिनका उपचार चल रहा है, उन्हें चोटें आई थी और शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे।